देवा भागम यथा पूर्वे सन्याने सन्याना उपासते। प्रयास करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा विश्रांति। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकी, कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। पूरा आगे झुकना है। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजे के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे, थोड़ी देर तक बने रहे। कमर को पूरा विश्राम देता है आगे झुकने से। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आइए, शरीर को स्ट्रेच करें, हाथों को ऊपर करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम करें। आंखें बंद करें एक क्षण के लिए। आहिस्ता आहिस्ता गहराई के होश से शरीर और मन को जोड़ते जाएंगे। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अगली बार अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, आगे देखें, घुमाएंगे आगे से पीछे की ओर, घुमाएंगे 2-3 बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहां से देखने में। दोबारा हम विपरीत दिशा में 2-3 बार करेंगे, विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एक्सलेंट। अब हम श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए, विश्राम करें। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों कंधों के बराबरी का दूर रखें, हाथों को कंधों के सिर में सामने दाई तरफ घुमाएं। ट्विस्ट योर राइट साइड, राइट ट्विस्टिंग। श्वास छोड़ते हुए शरीर को फसलाएं, भरते हुए। दोबारा श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं, लेफ्ट ट्विस्टिंग। पूरा ट्विस्ट करें, पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, वापस आए। श्वास भरते हुए बाई तरफ, यस वेरी गुड, वापस आइए। एक बार पुनः आप बाई तरफ घुमाएं, ट्विस्ट करें आखिरी बार। अब श्वास भरते हुए वापस आइए, अपने हथेलियों को भी वापस ले आइए, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाए। घुटनों की चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आइए, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े, बैठने की स्थिति में आ जाइए, स्क्वैटिंग पोजीशन। श्वास भरते हुए वापस आइए, एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाए, और भी थोड़ा, बहुत बढ़िया। वापस आइए, श्वास भरते हुए हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के सर तक ले आइए। श्वास छोड़े उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से स्ट्रेच करें, एड़ियों को उठाएं, पंजों के बल पर खड़े हो। अब एड़ियों को वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आए, विश्राम करें। वापस ले आए, एक बार पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें पूरा आसमान के ओर, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में वापस ले आइए, विश्राम करें। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए, अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर, आगे और पीछे गर्दन झुकाने के अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए, हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए
सिर को धीरे से आगे झुकाए, बेंड फॉरवर्ड सामान्य स्थिति में ले आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए, गो बैक। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए, सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाए, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। अब हम दाई तथा बाई ओर गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, राइट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को सीधा करें। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, राइट साइड। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए, राइट ट्विस्टिंग। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए, लेफ्ट ट्विस्टिंग। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाए, श्वास भरते हुए सिर को दाई से बाई गोलाकार घुमाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में घुमाते हुए पीछे ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए 2-3 बार, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशन। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस आइए, हाथों को पुनः अपनी जगह में लें। अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई।